वेल व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश मिशन नेवी। और आज बहुत ही बड़ा दिन है बिकॉज वी ऑलरेडी कंप्लीटेड 6000 सब्सक्राइबर, जैसा कि आप सबको पता है। और जो एक नई बात है वो आपको नहीं पता कि ये मेरा 100th सेशन है, यानी कि 99 सेशन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं एंड दिस इज 101। सो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी है। मतलब आप सब इतना प्यार देते हो, देखते हो, लाइक्स करते हो, डिसलाइक्स की संख्या वैसे ही काफ़ी कम है, सो आई होप कि ये वहीं तक बनी रहे। तो आज मैं कोई बात नहीं करने वाला हूँ, आज सिर्फ आपको जो है कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे जो अंदर के इमोशंस हैं या फिर मैं जो पर्सनली फील करता हूँ, जो आप सबको पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। तो वो चीज़ सबसे पहली है कि आप जीपी से ऑफिसर बनते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है। बेसिकली हम इस टॉपिक पे काफ़ी टाइम बात कर चुके हैं पहले भी, और अभी भी बात करना ज़रूरी है बिकॉज जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। बिकॉज हम पढ़ाई कर लेते हैं ऑलरेडी, मतलब ठीक है, जीपी से जितना भी मैंने अब तक सेशन में बताया है कि जीपी से ऑफिसर कैसे बनोगे, उसमें सब मैंने यही बताया कि आपको कितना मंथली टाइम चाहिए, कौन कौन से कैसे काम करने चाहिए शिप पे। जो मैंने आपको नहीं बताया आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखो हमारी लाइफ में ना दो तरह के फेलियर होते हैं। जब हम जीपी से ऑफिसर बनते हैं ना तो उसके बीच का जो पड़ाव है वो बहुत लंबा होता है और वो हमें बहुत कुछ सिखाता है और उसमें हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहली गलती जो होती है वो होती है हमारे एटीट्यूड को लेके, हमारे एग्रेशन को लेके। एग्रेशन होता है आपका गुस्सा। एग्रेशन मतलब कि जब आपको मतलब कुछ टाइम तक आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो लेकिन उसके बाद कंट्रोल वीक हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऑफिसर्स हैं और बहुत सारे टू बी ऑफिसर्स हैं जिनका ऑलरेडी मेरे को इस पर मेल भी आया है और मैसेज भी आया है, तो इसीलिए सेशन में बना रहा हूं। तो गुस्सा आना किस लिए होता है, क्यों गुस्सा आता है? देखो यार, हम सबके घर में टेंशन होती है। देखो मर्चेंट नेवी किसको तुम चाहे डार्क साइड बोल लो, पैसे के मामले में इससे बढ़िया फील्ड नहीं है, ये बात मैं भी मानता हूँ, ये बात आप सबको ही पता है। लेकिन उसके बीच में भी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं जो कोई नहीं बता पाता है, खुद से ऑब्जर्व करनी पड़ती है। और वो सबसे ज़रूरी चीज़ वो एग्रेशन वाली ही है, क्योंकि हम इंसानों के अंदर ना एक कैपेसिटी होती है कि एक लेवल तक हम ओके रहते हैं, उसके बाद जो है हमारा एंगर लेवल इतना हाई हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी वो स्टेप ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, और उससे हम लोग इतना पीछे हो जाते हैं कि जीपी से ऑफिसर बनते बनते सीढ़ी चढ़ रहे थे लेकिन अचानक से एक ऐसा कुछ टर्न आया कि वो सारे नीचे गिर गए और वापस से फिर इसको बैक से स्टार्ट करना है। मतलब ये है कि जब आप लड़ाई करते हो शिप पे, आपको गुस्सा आता है या आप बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिवनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी जॉब्स भी चली जाती हैं। ये बात फैक्ट है और बहुत सारे कैडेट्स के साथ ऐसा हुआ भी है, तो वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी इस बात से, आप सब भी कर पा रहे होंगे। बिकॉज हमें पता है कि जब इंडियन सीडीसी पे अगर एक भी रेड मार्क लग गया पेन से, कैप्टन के स्टैंप के साथ अगर एक भी रेड मार्क लग गया, सो पूरे शिपिंग फील्ड में जॉब नहीं मिलेगा। और वो क्यों होता है? बिकॉज आपका सब लोग वहाँ पे पेशेंस टेस्ट करते हैं, क्योंकि जब एक शिप चलता है ना तो उस पर एमरजेंसी सिचुएशंस इतनी जल्दी क्रिएट हो जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको टाइम नहीं मिलता कि मुझे कब क्या करना है, उसके लिए आपको प्री प्लान रहना पड़ता है। और वहीं पे अगर आपका वो गुस्सा आ गया ना तो उस शिप की तुम सारी वाट लगा दोगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा और तुम ऑफिसर इंचार्ज हो, कुछ ऐसी गलती कर बैठोगे जिसकी वजह से शिप डूबते हैं और आज भी डूब रहे हैं सिर्फ उन कुछ मिस्टेक्स की वजह से। तो वो मिस्टेक्स पे काम कैसे करें? एग्रेशन गुस्सा क्यों आता है? ठीक है, हम सब घर से दूर हैं, घर में कुछ बात हो जाती है, हम टेंशन ले लेते हैं और उसका इफेक्ट हम लोग काम पे निकालते हैं। यानी कि मैं अगर बात करूँ मेरी ही, तो मेरे साथ में अगर कोई काम कर रहा है तो उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो अचानक से उसका मूड ही चेंज हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी है मेरे शिप पे काफ़ी टाइम, बहुत लोग गुस्सा आया है, लेकिन जो चीफ इंजीनियर्स होते हैं ना उनको ये सब चीज़ों का पता होता है। तो कुछ लोग तो बहुत अच्छे चीफ इंजीनियर हैं, वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं बेटा, आपको गुस्सा आ गया, इट्स ओके, अभी आप थोड़ी देर के लिए कैबिन में जाओ, रेस्ट करो। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, वो स्ट्रेट अवे बोलते हैं कि गो टू योर कैबिन, नीचे आने की ज़रूरत नहीं है या फिर ब्रिज में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो है साइन ऑफ बहुत जल्दी हो जाएगा और मैं वो लिख के देता हूँ, और वहीं पर बंदे करियर ख़त्म, डिस्ट्रॉयड। क्योंकि कुछ लोग परेशान करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपको जानबूझ के छेड़ेंगे कि यार चल बंदे का मूड इतना अच्छा है, हमेशा खुश रहता है, चल कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि इसको गुस्सा आए और फिर देखते हैं क्या करेंगे। यार बहुत तरह की दुनिया से तुम्हें टैकल करना पड़ता है। आई नो मेरे चैनल के अलावा इस चीज़ों के बारे में कोई और तुम्हें नहीं बताता होगा, बिकॉज ये चीज़ एक्सपीरियंस बहुत
ही ज़्यादा लोग करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें बताने से हो सकता है कि बंदे सामने जो बंदा है उसका इंटरेस्ट ना हो मर्चेंडरी में आने के लिए, तो उनका लॉस हो जाएगा। बट मेरा जो चैनल है ना प्रॉफिट का है ना लॉस का है, इसमें सिर्फ जो आपको बातें पता होनी चाहिए कि मर्चेंट नेवी में और कौन कौन सी साइड्स होती हैं। अच्छी अच्छी साइड्स तो सब बताते हैं लेकिन बैक साइड कोई नहीं बताता है, बुरी साइड कोई नहीं बताता है, और बताते भी हैं तो इतना डिटेल नहीं बताते हैं, सिर्फ दो चार पॉइंट बता देंगे जिसमें तुम्हें लगता है कि तो बहुत ईजी है। और रही बात दूसरी जो है सी सिकनेस के ऊपर, सी सिकनेस गाइज इतनी बुरी चीज़ का नाम है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें कितने चक्कर आते हैं उसमें और कितनी बार तुम वॉमिटिंग करते हो और फिर भी तुम्हें खुद पर कंट्रोल करके स्टैंड होना पड़ता है। यानी कि नॉर्मल लोग तो क्या करते हैं, उल्टी करके पड़ जाएंगे, उनको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं, वो बस गए और सो गए, लेके कंबल सो गए या फिर वो इनो पीनो पी लिया और उसके बाद वो आराम करते हैं। लेकिन सीमैन की लाइफ में उल्टा है, यहाँ पे अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या और कुछ हो रहा है तो भी काम करना पड़ेगा, फैक्ट है ये बात। मुझे खुद 3 दिन तक होश नहीं आया था जब मैं फर्स्ट टाइम शिप पे गया था, रोलिंग पिचिंग स्टार्ट हुई थी, तो 3 दिन मेरे इतने बुरे गए थे लाइफ के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे आदत पड़ गई उन चीज़ की, मैं हैबिचुअल हो गया, और उसके बाद कितना भी सी रफ होता था मुझे रोलिंग पिचिंग नहीं लगती थी। तो स्टार्टिंग में इन चीज़ों से अगर तुम्हारे साथ होता है तो कभी मत डरना, बिकॉज ये सिर्फ वन टाइम होता है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस करते हुए ये चीज़ें तो एक बार ही होती हैं, तो डरना मत इस चीज़ से। बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑल पीपल क्या है कि डर के इससे भाग जाते हैं और उसके बाद शिप छोड़ देते हैं, वो लाइन ही छोड़ देते हैं। और तीसरा मेरा जो सबसे मेजर पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि हम लोग अगर किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं ना, यानी अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो चुका है मर्चेंट नेवी में आने का, तुमने ऑलरेडी पैसे दे रखे हैं या देने वाले हो या दे रहे हो, कुछ भी है, तो उससे बैकआउट मत करो। 90% सी फेयरर्स या 90% टैलेंटेड जो कैडेट्स या जो बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ इसी बात पे बैकआउट कर देते हैं कि उनको एक शिप ऐसा मिल जाता है जहाँ पे उनकी वाट लग जाती है, बहुत उनसे काम करवाया जाता है और उनको समझ में नहीं आता कि वो सोचते हैं कि एक बार शिप से उतरते हैं हम इस लाइन को छोड़ ही देंगे, जबकि ये सिर्फ तुम्हारा ट्रायल होता है। इन चीज़ों से तुम्हारा फोकस बढ़ता है। यानी मैं जब मलेशिया में गया था और जब मैंने वो लकड़ वाला वैसल था उस पर काम किया था, एज अ मजदूर काम किया था, सो मतलब दिन रात एक करते थे हम लोग, मेरा पैर भी छिल गया था और मुझे सांप वगैरह भी काफ़ी दिखे थे, वहाँ जंगल थे, हम रिवर में काम करते थे, रिवर में शिप चलता था, वो छोटा सा शिप था, तो मैं अगर होता तो उसे डर के मैं भी बोल देता घर वालों को कि भाई मैं इस फील्ड में नहीं आने वाला हूँ, सीधी सी बात है, मेरे को डर लगता है। और वहाँ पे लोग मरते भी थे, बिकॉज वो क्या है कि लकड़ी लोड करता था वो, तो लकड़ी अगर मान लो सर पे लग गई तो उधर पे ही बंदा नहीं मिलता था, या फिर समुद्र में पड़ गया तो वहाँ पे, या फिर जो रिवर है उसमें गिर गया तो वो करंट ही उसको बहा के ले जाएगा, क्रोकोडाइल्स इतने होते हैं वहाँ पे। ऐसे सिचुएशन से निकल के मैं आया, अगर मेरी जगह और कोई होता तो बोलता भाई हाथ जोड़े मैं परचून की दुकान खोल लूँगा। लेकिन वो सिर्फ एक इतना अच्छा पॉइंट था मेरी लाइफ का, क्योंकि उसके बाद जब मुझे शिप्स मिलने स्टार्ट हुए ना, तो तुम यकीन नहीं करोगे उस काम के आगे मुझे ये काम जीरो लगता है यार। मतलब अभी मैं जो इंजीनियर ऑफिसर में काम करता हूँ शिप्स पे, तो वो काम मुझे उसके आगे जीरो लगता है, बिकॉज वहाँ पे इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, उसके बाद मुझे खाना खुद बनाना पड़ता था और मैगी और अंडे वंडे ये सब खुद बनाने पड़ते थे और खुद ही खाने पड़ते थे, और सैलरी सिर्फ दस हज़ार मिलती थी। उसके बाद अब जाके मुझे कितना भी कुछ भी मिल रहा है, लेकिन उस लेवल से मैंने इतना कुछ सीखा कि यहाँ का लेवल अब मुझे कुछ नहीं लगता है। मैं 4 महीने में तो घर आ जाता हूँ, शिप पे बढ़िया लाइफ है, सब लोग ऑफिसर सब अच्छे हैं, बिकॉज मुझे पता है कि तू खुद खुश रहेगा ना आकाश, तो तू औरों को भी खुश रख सकता है। अगर मैं खुद ही टेंशन में रहूँगा, एग्रेशन में रहूँगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। सो ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं, और ये 100th एपिसोड में डालने वाला था ताकि आप सबको पता लग सके कि ये सब चीज़ें भी होती हैं और इनसे आप एक अच्छे सीफेयर बन सको। रही बात अगली जो लास्ट पॉइंट मैंने लिया है आपकी सैलरी के ऊपर। लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा इशू जो लोगों के साथ है वो ये है कि डेक क्रेडिट जीएमई टीएमई कर लिया तो उसके बाद उनको सैलरी मिनिमम 1 लाख चाहिए, या 60,000 चाहिए, या 40-50,000 चाहिए। तो गाइज अगर तुम्हें सैलरी कम भी मिल रही है और वैसल मिल रहा है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए उस पर चले जाओ यार। सैलरी को तुम देखोगे तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, बिकॉज स्टार्टिंग की सैलरी अगर तुम देखते रहोगे ना, तो तुम्हें लगेगा जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और सैलरी मिल रही है वो बहुत कम है, और तुम्हें ज़्यादा चाहिए, तुम्हें ज़्यादा डिमांड कर रहे हो कि यार मैं 1 लाख के नीचे नहीं आऊँगा। तो मेरे भाई और लोग जो कंपटीशन में बैठे होते हैं, जो बोलते हैं कि सर हम 10,000 में भी काम कर लेंगे, 20,000 में भी कर लेंगे, उन लोगों को चांस मिल जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, सैलरी जितनी मिल रही है उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने काम में परफेक्ट बनो। काम में तुम अगर फोकस डाल के परफेक्ट बन गए ना, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें करोड़पति बनाने से रोक देगी। सीरियसली इस फील्ड में इतना पैसा है, क्योंकि मैंने खुद देखा है,
मेरे ऑफिसर्स हैं वो भी इतने काम डाउन रहते हैं यार, उनको कभी गुस्सा नहीं आता, कभी कुछ नहीं। यही चीज़ मैंने उनसे सीखी थी। तो मैंने सोचा कि मेरा जो 100th एपिसोड होगा उसमें मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि लोगों को ये सब चीज़ें भी समझ में आए, और डाउनलोड करके इसे बार बार देखेंगे तो उनका थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा। रही तीसरी बात फ्री प्लेसमेंट के बारे में, तो फ्री प्लेसमेंट जो है उसके बारे में अलग सेशन बनाऊंगा, बिकॉज ये सेशन अभी 10 मिनट का हो जाएगा, सो उसके बारे में भी अलग बनाऊंगा। तो मैं सारी चीज़ समझाऊंगा ए टू जेड। फ्री प्लेसमेंट भी मिल सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि नहीं मिल सकती, पर उसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। सो गाइज, ये थी कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, फ्री प्लेसमेंट से रिलेटेड भी जो बातें हैं वो करेंगे। तो इन चीज़ों पे ज़रूर अपना फोकस डालिए, गुस्सा कभी मत होइए, सैलरी का भी ज़्यादा डिमांड मत कीजिए, और अपने आप को काम डाउन रखिए, कूल रखिए, खुश रहिए। अब वो कैसे रहेंगे उसके बारे में भी हम अलग बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आकाश मर्चेंट नेवी एंड इट्स माई 100th सेशन। सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, आपके सब्सक्राइब्स के लिए, आपके लाइक्स के लिए और डिसलाइक्स के लिए। सो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, जुड़ दे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।